बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इनको खुशकिस्मत इंसान ही कहूँगा। कल मैंने एक नमाज जनाजा पढ़ा है यहाँ पाकिस्तान में, ये क्या दो पढ़े हैं। तो जुमे वाले दिन रमज़ान चल रहा है, ऊपर जुमे वाला दिन थकल, तो हालांकि वो जो इमाम थे नमाज जनाजा पढ़ाने वाले, वो बोल रहे थे कि ये खुशकिस्मत हैं जी, एक तो रमज़ान मिल गया इनको और ऊपर से जुमे वाला दिन मुबारक गढ़ी है। चलो बहरहाल जी, हर बंदे की इसके मतलब भी अपने राय होती है, लेकिन रमज़ान में तो खुशकिस्मत ही बोला जाएगा, ये तो क्लियर बात है। अभी मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखा दूंगा, यहाँ पर मक्का मुकरमा में जो नमाज जनाजा, बहुत से बंदे इसके मतलब मुझसे पूछ लेते हैं कि भाई जो नमाज जनाजा मक्का में, वो जनाजे किधर रखे जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखे हुए हैं। एक आपको वीडियो क्लिप, कुछ पिक्चर दिखा रहा हूँ, वीडियो क्लिप भी दिखाता हूँ। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। हमारा एक अजीज था जी, उम्र पर आया हुआ फौत हो गया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ वहाँ पर रहते हुए। मक्का चौकी में हम मौजूद थे उस टाइम काम के सिलसिले में। पहले एक बड़े भाई और साथ में कुछ बंदे, दो दूसरे दोस्त वगैरह थे, अजीज थे, वो चले गए रात। वो जो बॉडी वगैरह वहाँ से होटल से उठाई और लेकर गया, जो भी बदी वगैरह कार्रवाई जो भी करना था किया। उसके बाद घर वालों से बातचीत की तो उन्होंने बोला कि भाई यहीं पर दफन कर दें, वही बेहतर है। आगे वाले दिन मैं चला गया, मैं साथ में कुछ दोस्त थे और कुछ अजीज अकारब थे जो दूसरे शहरों से भी आए हुए थे। तो नमाज जनाजा के लिए उन लोगों ने टाइम दे दिया कि हमें मगरब टाइम तकरीबन नमाज जनाजा आपका मगरब की जमात के फौरन बाद पढ़ा जाएगा, आपकी मैयत वहाँ पर मौजूद होगी। तो हम जब पहुँचे हरम में, तो सहन में यानी कि बाहर से वो बैरिकेड लगाकर बंद किया जा चुका था और वो बोल रहे थे कि अभी आगे नहीं आप जा सकते, बाहर ही नमाज पढ़ते। आपको पता है जब अंदर आवाम फुल हो जाए तो वो बाहर से बंद कर देते हैं। तो हमने उसको बोला कि भाई ऐसा हमारा मसला, उसने बोला नाम बताओ, नाम बताया, मरने वाले का नाम बताओ, वो बताया। उसने बोला अभी जाओ ठीक है, लेकिन आगे जब गए आगे फिर बैरिकेड लगा कर एक जगह से और बंद किया हुआ था। लेकिन उस बंदे ने जैसे ही हमको पूछा तुम्हारा नाम, नाम बताया, उसने बोला जाओ। पीछे वाले ने उसको शायद वायरलेस कर दी थी। तो बहरहाल हम पहुँचे, आपको क्लिप दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये क्लिप भी देख लें। इसी जगह के ऊपर बिल्कुल जनाजे रखे जाते हैं और ऐसे ही है जी, नमाज पढ़ी जाती है हर नमाज के दौरान में। यानी कि अगर आप जोहर से असर के दौरान में कोई भी बंदा फौत हो गया तो उसका नमाज जनाजा हरम में अगर पढ़ना है तो यहीं पर पढ़े जाते हैं, ज़्यादातर नज़दीक जितने भी फौत होते हैं। तो मैयत को बल्दिया खुद से लाकर वहाँ रखती है, आप जाकर नमाज जनाजा पढ़ें। उसके बाद ऊपर नंबर लिखा होता है, आपको पर्ची दे देते हैं, ये फलां नंबर वाली आपकी मैयत है। उसके बाद भाई जो इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ चलती हैं हरम में, उसमें रखकर मैयत को बाहर ले जाया जाता है, वहाँ से एम्बुलेंस में रखा जाता है, आप साथ में बैठते हैं, उसके बाद कब्रिस्तान ले जाता है। कुछ बंदों को तो भाई हो सकता है वो जो जन्नतुल मुअल्ला है मक्का में, आपका मैं एक मुकम्मल व्लॉग शेयर कर चुका हूँ उसके, जहाँ पर बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र मुबारक है जी, एक मुकम्मल व्लॉग शेयर कर चुका हूँ उसका भी इसी चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है। कुछ बंदों को शायद वहाँ पर दफन किया जाता हो, लेकिन हम जो अजीज़ के साथ गए वो जद्दा से यानी कि मक्का में ही किसी अलग कब्रस्तान में दफन किया गया। तो बहरहाल ऊपर वहाँ पर भी एक कब्र है जी, उसके अंदर मैयत को हमने रख दिया थोड़ा टेढ़ा करके। ऊपर उन लोगों ने स्लैप रखी, ऊपर मिट्टी डाल दी और एक ऊपर एक इतना सा एक बोर्ड लगा हुआ है यानी तख्ती लगा दी हल्की सी, उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है। वो नंबर हमें वो पर्ची दे दी कि ये नंबर वाली आपकी कब्र है, जब आप आएँ इसके ऊपर आ जाइएगा, कोई नाम वगैरह नहीं लिखा है। तो ये क्लिप भी शेयर किया गया है अभी किसी भाई की तरफ से, मैंने बोला आपको ये भी दिखा दूँ। और जो नमाज जनाजा वगैरह पढ़ी जाती हैं हरम में, हर नमाज के बाद वो ऐसे पढ़ी जाती हैं कि ऊपर मस्जिदें पढ़ी होती हैं उनकी पढ़ी जाती हैं।